हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मेल किन्नर। किन्नर बनते कैसे? नॉर्मली पुराने समय में ये प्रथा थी भी कि मानते थे लोग, ये धारणा थी कि ये जो किन्नर बनते हैं ये किसी भगवान के प्रकोप के कारण बनते हैं या किसी जादू टोने के कारण बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है कि जो ये मेल किन्नर बनते हैं ये क्रोमोसोम की डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम की डिसऑर्डर है। नॉर्मली अगर मेल ह्यूमन की बात करें तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब किस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है तो ये मेल किन्नर बनता है। तो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 का माने तो यानी इसमें 23 पेयर होते हैं, 2 का पेयर है, ठीक है, तो 23 पेयर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिवाइड करें तो ये होता है 46 या तो XX है या 46 प्लस XY इस फॉर्म में होगा, 24 और XY। अब 24 की बात करें, टोटल ये कितने हो गए, 46 हो गए ना, 44, 45 और 46, यानी टोटल हो गए 46, 44, 45 और 46, टोटल हो गए 46। अब जो ये 44 होते हैं इनको तो कहते हैं ऑटोसोम, को कहते हैं ऑटोसोम, और जो ये होते हैं XX इसको कहते हैं एलोसोम। लास्ट में ये कंफर्म हो जाएगा कि ये किस कारण होते हैं, कौन से क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट होने के कारण ये होते हैं। नॉर्मली अगर मेल का एक्स के अंदर एक्स बढ़ जाएगा, लेकिन कैसे, तो ठीक है, 46XX, XX डिनोट करता है ये होगा फीमेल बेबी, XX है तो, और XY है तो मेल बेबी, मेल डिनोट, वाई डिनोट करता है मेल को, तो XY मतलब मेल है, XX मतलब फीमेल है, यानी कोई भी ये है मेल बेबी के अंदर होता है ये, ठीक है, जो मेल के अंदर बनता है। इसमें क्या होगा, ये तो हो गए ऑटोसोम और ये हो गए एलोसोम, एलोसोम ये एलोसोम हो गए ये, तो एलोसोम को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स एलोसोम को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि एक्स वाई है, अगर वाई है तो मेल बेबी और एक्स एक्स है तो फीमेल बेबी। तो ये एलोसोम है, ये है एक्स वाई और ऑटोसोम हो गए 24। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई क्रोमोसोम ये 44 क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम होती है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, अगर ये एक्स वाई के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एलोसोमल डिसऑर्डर। अब क्या होता है कि ये होता है 46, अगर 44 हो जाए क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम कम हो गए, या फिर 47 हो जाए यानी क्रोमोसोम बढ़ गए, जो कम होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी, और जो बढ़ते हैं उनको कहते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। टोटल 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर के अंदर, और ऐसे जगह तो 44XX या 44XY, तो ये 44XY के अंदर होता है, तो ये 44 तो हो गए ऑटोसोम और XY ये दो हो गए एलोसोम। एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि सेक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, वाई का हो गया एक्स वाई है तो मेल बेबी और एक्स एक्स है तो फीमेल बेबी। अब आती है बात कि क्रोमोसोम बढ़ते हैं या घटते हैं, जब जो घटते हैं क्रोमोसोम तो उनको कहते हैं मोनोसोमी या मोनोसोमल डिसऑर्डर, और जो बढ़ेंगे उनको कहते हैं ट्राइसोमल डिसऑर्डर। अब मेल किन्नर के अंदर होता क्या है, ये 44 प्लस एक्स वाई तो होता है, लेकिन इसके अंदर यानी 23वां 22 पेयर तो ये हो गए, 24 के 22 पेयर हो गए, और जो ये एक्स वाई होता है ये हो गया 23वां पेयर, 23वां पेयर कौन सा हो गया एक्स वाई, 23 पेयर कौन सा हो गया एक्स वाई, इसके अंदर एक एक्स और जुड़ जाएगा, 24 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है। नॉर्मली तो हम डिनोट करते हैं ये करते हैं 46, टोटल 46, लेकिन जो जो मेल किन्नर होगा उसको करते हैं ये हम 47 प्लस एक्स एक्स वाई, इसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर
फेल्टर सिंड्रोम। अब हम पूरा कंफर्म करते हैं, अब 24/7 इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये प्रॉब्लम किसकी है? सेक्स क्रोमोसोम की, और सेक्स क्रोम को क्या कहते हैं? एलोसोम। तो क्या है? एलोसोमल डिसऑर्डर, एलोसोमल, एलोसोमल, क्योंकि ये एक्स से अंदर प्रॉब्लम हुई है। अब एलोसोम तो हुआ लेकिन बड़ा है या घटा है? तो ये एक्स क्रोमोसोम बड़ा है तो क्या होगा? ट्राइसोमल, ट्राइसोमल, ट्राइसोम मतलब, ट्राइसोम मतलब बढ़ना और मोनोसोम मतलब घटना। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमल डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल ट्राइसोमल डिसऑर्डर है। इसमें प्रॉब्लम कहां होती है? सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम होती है। और होता क्या है? एड एक एक्स और जुड़ जाएगा 23 पेयर के अंदर, 23 पेयर के अंदर जो नॉर्मली होता है एक्स वाई, उसके अंदर एक एक्स और जुड़ जाएगा तो देगा एक्स एक्स वाई, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो ऑटो एलोसोमल ट्राइसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम होती है, एक एक्स और जुड़ जाएगा 23 पेयर के अंदर, इसे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं 47 प्लस एक्स एक्स वाई, 47 प्लस एक्स एक्स वाई। लेकिन जो नॉर्मली हम वापस किसी अगर दूसरे क्रोमोसोम या एलोसोम के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये ऑटोसोम के अंदर प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर बढ़ जाए ये तो इसको हम लिखते हैं 44 एक्स वाई, इसको लिखते हैं हम 46। और 47 कैसे होगा? तो इसको लिखते हैं हम यहां 45, ऐसे नहीं लिख सकते ये, लेकिन इसको हम पूरे टोटली टोटल करते हैं। इसमें अगर नॉर्मल लिखे तो इसका तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको एक कम, इसको क्यों कर रहे हैं काउंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 44 ही है टोटल, एक्स एक्स वाई ये बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन इस सेक्स क्रोमोसोम जो भी मेल किन्नर या फीमेल किन्नर होते हैं उसके अंदर हम डिनोट करते हैं तो ये 44 ना लिख के यहां लिखते हैं 47, कंप्लीट काउंट करते हैं, यानी 44 45 46 और 47। तो ये होता है मेल किन्नर। मेल किन्नर किसी भी कुप्रथाओं के कारण नहीं होता, ना कि किसी देवी देवताओं के कारण, देवी देवताओं के कारण, ये होता है क्रोमोसोम की डिसऑर्डर होते हैं। और ये होता है एलोसोमल ट्राइसोमल डिसऑर्डर, एलोसोमल मतलब कोई सेक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम होती है, ट्राइसोमल एक क्रोमोसोम कोई बढ़ जाता है, कौन सा? एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, और ये है डिसऑर्डर। ये किसके है? क्रोमोसोम के डिसऑर्डर है, एलोसोमल ट्राइसोमल डिसऑर्डर। ये सेक्स क्रोमोसोम एक और बढ़ जाएगा 23वें गुणसूत्र के अंदर, 23वां जो पेयर होता है उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, और ये इसे कहते हैं मेल किन्नर। थैंक यू टू सी।